हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो को लेकर? कितने एक्साइटेड हैं और कितनी खुशी की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे अवार्ड शो को लेकर और आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत सारा सवाल आपने पूछ लिया एक साथ। एक्चुअली ये अवार्ड शो सबसे पुराना अवार्ड शो है और ये अवार्ड शो इस साल का 14वां अवार्ड शो है, कह सकते हैं 14th अवार्ड शो है। पिछले 13 सालों से ये अवार्ड शो चलता आ रहा है, सबसे पुराना अवार्ड शो है। इस अवार्ड शो का हिस्सा बनकर भी मुझको बहुत खुशी हो रही है और मैं इस शो में एज एन एक्टर भी परफॉर्म कर रही हूँ और डांस परफॉर्मेंस भी कर रही हूँ। और क्योंकि नॉमिनेशन में मेरा नाम इसलिए भी 2018 की सारे फिल्मों को लेकर के अवार्ड शो है, तो मेरे घर में 2019 में और सुनिए जी, और अगर कुछ पाइपलाइन में क्या है अगर वो जानना चाहें, पब्लिक जानना चाहती है कि क्या क्या है पाइपलाइन? या श्योर, एक्चुअली पाइपलाइन में जो है वो मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन अभी इस साल मैंने क्या किया ये जरूर बता सकती हूँ कि राज तिलक मेरे साथ और करीबन 8 फिल्में मैंने की हैं और जितने भी बड़े बड़े अवार्ड शोज हैं उनको मैंने होस्ट किया, जैसे समरथ हो गया, कोलकाता का हो गया, मैडम बच्ची का, फिर ITF अवार्ड सिंगापुर का हो गया और अभी ये अवार्ड शो। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं नेक्स्ट ईयर में रिलीज हो जाएंगी। सिंगापुर का दौरा कैसा रहा? सिंगापुर में भी आप गए थे अवार्ड शो के लिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सिंगापुर में बहुत मजा आया मुझको, थैंक्स टू अभय सिन्हा सर, एंड थैंक्स टू याशिकल्स के जितने भी टीम मेंबर हैं जिन्होंने मुझको इस लायक समझा कि मैं अवार्ड शो में जाऊँ। बहुत मजा आया और सिंगापुर की धरती पर मैंने पहली बार कदम रखा ये सब याशिकल्स और अभय सिन्हा सर की वजह से। विनोद जी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? विनोद सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, कि आए थे सिंगापुर में, उन्होंने वहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस वगैरह देखा। हालांकि तब मैं श्योर नहीं थी कि मैं शो को होस्ट करूँगी कि नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मेरे शो को देखा, थोड़ा उन्हें कॉन्फिडेंस आया और मैं शो को होस्ट करी। और विनोद सर बाय नेचर इज वेरी फैंटास्टिक मैन और ऐसे ही उनका ये अवार्ड शो इतना सालों से आगे नहीं चल रहा और मैं भगवान से उम्मीद करूँगी कि आगे भी उनका ही बनाएंगे ईयर्स ऑफ नंबर चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.